आईपीएल 2024 आरसीबी वर्सेस सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स का धमाकेदार आगाज, आरसीबी को 6 विकेट से रौंदा, मुस्तफिजुर रहमान ने बरपाया कहर। आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मैच में चेन्नई ने 6 विकेट से जीत हासिल की। आरसीबी ने एमए चिंद्रम स्टेडियम में सीएसके को 2008 के बाद से कभी नहीं हराया। आरसीबी का यह इंतजार अभी भी जारी है। क्या है खबर की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं। इससे पहले आप भी एमएस धोनी के फैंस, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2024 की शुरुआती मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टक्कर हुई। इस मैच में सीएसके ने 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की। सीएसके को जीत के लिए 174 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। सीएसके की जीत के हीरो बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। बल्लेबाजी की बात करें तो सीएसके के लिए रचिन रविंद्रा ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। रविंद्र ने 15 गेंदों की पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं इंपैक्ट प्लेयर शिवम दुबे ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा भी 25 रन पर नाबाद लौटे, जबकि अजिंक्य रहाणे ने 27 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी का स्कोर कार्ड 176 में 4 रहे। चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डी प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की शुरुआत अच्छी रही और कप्तान डी प्लेसिस ने विराट कोहली के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। डी प्लेसिस ने काफी धांसू बैटिंग की और 35 रनों की पारी में 8 चौके लगाए। मुस्तफिजुर रहमान ने एक ही ओवर में डी प्लेसिस की और रजत पाटीदार को आउट कर दिया। फिर दीपक चहर ने ग्लेन मैक्सवेल को 0 रन पर आउट किया, जो खाता भी नहीं खोल पाए। बाद में मुस्तफिजुर ने विराट कोहली और कैमरन ग्रीन को आउट किया, आरसीबी की परेशानी बढ़ा दी। यहां से अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने 95 रन जोड़कर आरसीबी को 173 में 6 रनों का स्कोर तक पहुंचाया। आरसीबी की ओर से अनुज रावत ने सबसे ज्यादा 48 रन 25 गेंद में 3 छक्के और 4 चौके और दिनेश कार्तिक ने नाबाद 38 रन 24 गेंद में 3 चौके और 2 छक्के बनाए। सीएसके की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को 4 सफलताएं हासिल हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी का स्कोर कार्ड 173 पे 6 रहा।